पॉपुलर शो वो अपना सामने चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स। जिया अर्जुन ने फाइनली एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया है। अर्जुन और जिया एक दूसरे को हमेशा साथ देने का वादा करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। काकीमा अर्जुन और जिया की शादी फिक्स करने के लिए पंडित जी को बुलाती है। काकीमा चाहती है कि अर्जुन और जिया की शादी सारे रीति रिवाजों के साथ हो। काकीमा की बढ़ती उम्र की वजह से उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। वो अर्जुन और जिया की शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है कि सब कैसे होगा। तभी पंडित जी काकीमा को कहते हैं कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उनकी हेल्प के लिए झुमकी को ले आए हैं। शो में नए किरदार की एंट्री हो चुकी है, जो जिंदर हाउस में मेड का रोल प्ले करेगी, जो एक चुलबुला किरदार है लेकिन अंदर से कुछ और ही है। लेकिन झुमकी हमेशा घूंघट में रहती है, कोई उसकी शक्ल नहीं देख सकता है। जिया को झुमकी पर डाउट होता है। झुमकी जब पायल पहन कर चलती है तो जिया को याद आता है कि ऐसी ही पायल की आवाज़ उसने रात को बजते हुए सुनी थी। जिया को झुमकी पर शक है। अर्जुन ने जिया को जो ब्रेसलेट दिया था उसे भी झुमकी नहीं चुराया था, और बाद में वो ब्रेसलेट जिया के रूम में रख देती है। जिया जब वो ब्रेसलेट पहनती है तो उसके हाथ से ढेर सारा खून निकलने लगता है। झुमकी जिंदर हाउस में जरूर किसी खराब मोटिव से आई है। झुमकी पंडित जी को धमकी देकर जिंदर हाउस में घुस आई है, और उसने पंडित को धमकी देकर जिया और अर्जुन की शादी का मुहूर्त 2 दिन बाद निकालने को कहा है। ये झुमकी कौन है जो जिंदर हाउस में मेड बनकर आई है, और झुमकी जिया और अर्जुन की शादी जल्द से जल्द क्यों करवाना चाहती है? क्या इसके पीछे झुमकी का कोई मोटिव है? शो के लेटेस्ट